स्टेप टू आइडेंटिफाइंग सिचुएशंस बी हमने आइडेंटिफाइंग सिचुएशंस ए में देखा कि किस तरह से हम उन सिचुएशंस को क्रिएट कर सकते हैं जो इवेल्यूएशन सिचुएशंस हैं और ये वो सिचुएशन हैं या कंडीशन हैं विच अलाउ स्टूडेंट्स टू शो वट दे हैव लर्न एज पर कॉन्टेंट एंड बिहेवियर और साथ साथ ये वो सिचुएशन है जो बच्चों को इवोक करती हैं कि वो अपने बिहेवियर्स को अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करें या उन्हें मजबूर करती हैं कि वो अपनी लर्निंग को डेमोन्स्ट्रेट कर सके एंड देट्स हाउ वी कैन इवेल्युएट जब हम देखते हैं कि हम सिचुएशंस को क्रिएट कर सकते हैं और उन सिचुएशन में हम बच्चों की इवेल्यूएशन भी कर सकते हैं वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट इज इट पॉसिबल दैट ऑल द सिचुएशंस which are being created for the purpose of evaluation of curriculum or for the purpose of evaluation of students, are they always under control of the evaluators? And similarly, kya yeh tamam situations hamesha hi evaluators ko mayasar hoti hain and they are there so that they can look for the desired change among the students or वूडेंट्स दे हैव लर्न या वो किस तरह से इसको इवेल्युएट कर सकते हैं नाउ दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सवाल यह है कि क्या ये मुमकिन है कि तमाम सिचुएशन जो आप क्रिएट करना चाहते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन क्या वो आपके कंट्रोल में है और क्या इन तमाम सिचुएशंस को जिनको हम इवेल्यूएशन के लिए क्रिएट करना चाहते हैं क्या यह पॉसिबल है कि ये सिचुएशंस हमेशा क्रिएट कर ली जाएं या सिचुएशंस एक्सेसिबल हैं हमारे लिए एज टीचर्स एंड करिकुलम डेवलपर, सो दैट वी कैन इवेल्यूएट द करिकुलम इफेक्टिवली इसका जवाब ना में है बिकॉज देर आर मैनी प्रॉब्लम्स ये क्यों मुमकिन नहीं है कि हम तमाम सिचुएशंस को जिनमें हम इवेल्युएशन करना चाहते हैं हम उन सिचुएशंस को क्रिएट भी कर लें और वो हमें इजीली या बसानी हासिल भी हों देर आर डिफरेंट रीजंस और कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिसकी वजह से तमाम सिचुएशंस फॉर द पर्पस ऑफ इवेल्यूएशन क्रिएट नहीं की जा सकती ना ही वो हमारे कंट्रोल में होती हैं और ना ही वो हमें बिंग करिकुलम डवेलपर्स एक्सेसिबल होती हैं इफ दिस इज अचुएशन कि हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन है जो हमारे लिए एक्सेसिबल ही नहीं है या वो क्रिएट करना मुश्किल है तो हम किस तरह से इस सूरत हाल में इवेल्युएशन का प्रोसीजर तय करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल द इवेल्यूएटर नीड्स टू फाइंड आउट वट कैन बी दी अदर सिचुएशन अदर देन द आइडियल सिचुएशन जिसमें हम बच्चों से डेमोन्स्ट्रेट करा सकते हैं कि उन्होंने क्या कॉन्टेंट नॉलेज सीखा है और कितने बिहेवियर्स को लर्न कर लिया है सो वी विल लुक फॉर द सिचुएशन व्हिच इज क्लोज टू द ओरिजिनल सिचुएशन एंड व्हिच हैज ए हाई को विद द रिजल्ट्स व्हिच आर ओबेन्ड इन दैट आइडियल सिचुएशन वेन दिस सिचुएशन इज बींग यूज एंड इट ऑल्सो इवोक्स स्टूडेंट्स टू शो दी काइंड ऑफ बिहेवियर जिसको हम अप्रेज करना चाहते हैं लेट्स हैव ए लुक एट इट अगेन इफ यू आर सैंग दैट सम सिचुएशन दे आर नॉट अंडर कंट्रोल एंड दे आर नॉट एक्सेसिबल टू आर एज इवेल्यूएटर्स ऑफ करिकुलम तो हमें इस सूरत हाल में क्या करना होगा यह तय है कि ये तमाम सिचुएशंस हमेशा हासिल नहीं होती और ना ही हम इन्हें तरतीब दे सकते हैं सो इफ दिस इज अ सिचुएशन सो वट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू फाइंड आउट अदर सिंपलर सिचुएशन विद हाई को रिलेशन विद द रिजल्ट विच आर ओपटेन्ड इन दीज सिंपल सिचुएशंस एज इफ दे वर अटेंड इन दो आइडियल सिचुएशन्स वेन दो सिचुएशन्स और दोज आइडियल सिचुएशन वर यूज व्हिच डायरेक्टली इवोक स्टूडेंट्स टू शो दैट बिहेवियर जिसको हम इवेल्युएट करना चाहते हैं और विच इज टू बी एवेल्युएटेड अगर तो हमारी आइडियल सिचुएशन नहीं है तो हमें कोशिश करना होगी कि हम उससे सादा सिचुएशन को क्रिएट कर लें लेकिन हमें जहन में ये रखना है कि हमें रिजल्ट जो हासिल हों सादा सिचुएशन से वो मोर और लेस उसी तरह के हों या उन रिजल्ट का एक खास कोरिलेशन हो उन सिचुएशन में रिजल्ट के उसूल के साथ अगर वो सिचुएशन आइडियल हो सो वी हैव एन आइडियल सिचुएशन वी हैव ए सिंपलर सिचुएशन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द रिजल्ट वी आर गेटिंग फ्रॉम द सिंपलर सिचुएशन एंड द रिजल्ट वी आर गेटिंग फ्रॉम द आइडियल सिचुएशन दे शुड हैव ए पॉजिटिव कोरिलेशन और ये रिजल्ट्स इस तरह के होने चाहिए कि हम फिर इसको इवैल्यूएट भी कर सकें एंड देन वी कैन पुट अ वैल्यू टू आर करिकुलम सो व्हाट वी कैन से दैट इफ द ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड एंड आइडेंटिफाइड क्लियरली एंड द सिचुएशंस व्हिच आर डिफाइंड क्लियरली एंड दे आर गुड इनाफ टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट थ्रू द एक्सप्रेशन ऑफ द डिजायर्ड बिहेवियर वट इज नेक्स्ट अब हमें क्या करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव हमने डिफाइन कर लिया क्लियर है हमारी सिचुएशन दे आर क्लियर एंड दे आर प्रोवाइडिंग गुड अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स के वो अपने लर्न बिहेवियर्स को और कॉन्टेंट को शो कर सके या डेमोन्स्ट्रेट कर सके हमारे लिए अगला स्टेप क्या होगा हमारे लिए अगला स्टेप ये होगा कि हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को जिनको हम इवेल्युएशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम उन्हें एग्जामिन करें एंड वी हैव टू सी दैट टू वट एक्सटेंट दीज इवेल्युएशन इंस्ट्रूमेंट्स दे कैन सर्व दर्पज ऑफ इवेल्युएशन और ये हमें उन तमाम एविडेंसेस को कलेक्ट करने में मदद करेंगे जिसके बिना पर हम स्टूडेंट्स को इवेल्युएट कर सकते हैं और इन टर्न हम अपने करिकुलम को इवेल्युएट कर सकते हैं